बलून फ्रॉक। उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन पर, इससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलेगी। लगने वाले नाप, छाती घेरा, कमर घेरा, कमर की लंबाई, पूरी लंबाई और शोल्डर। लगने वाला कपड़ा लंबाई के 3 गुना लगेगा और अस्तर लंबाई के 2 गुना लगेगा। बेल्ट के लिए आधा मीटर पिंक कपड़ा लगेगा। सबसे पहले हम कागज पर फ्रंट कट करने वाले हैं। यहाँ पर कमर की लंबाई अधिक 1 इंच ले। यहाँ पर बगल की लंबाई सभी के लिए छाती का 1/4 हिस्सा ले। छाती रेखा आंख ले। यहाँ पर छाती का 1/4 हिस्सा अधिक 1/4 इंच ले। कमर रेखा पर कमर का 1/4 हिस्सा अधिक 1/4 इंच ले। यहाँ पर कमर रेखा आंख ले। दिखाए अनुसार साइड्स जोड़े। उसके बाहर 1 इंच सिलाई मार्जिन रखे। यहाँ पर शोल्डर का 1/2 हिस्सा ले। सीधी रेखा नीचे जोड़े। दिखाए अनुसार यह अंतर नापे। उसका 1/2 हिस्सा तिरछा जोड़े। दिखाए अनुसार बगल का आकार दे। स्लीवलेस फ्रॉक होने की वजह से हमने दोनों बगल का एक ही आकार दिया है। इस फ्रॉक पर हम शोल्डर बेल्ट लगाने वाले हैं। शोल्डर बेल्ट से 1/2 इंच कम आड़ी रेखा आंख ले। यहाँ पर कमर का मध्य निकाले। बॉटम का आकार दे। दिखाए अनुसार फ्रंट का कागज कट कर ले। इस फ्रॉक पर हम जिप लगाने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच ज्यादा लिया है। अस्तर पर फ्रंट कट कर ले। दिखाए अनुसार बैक भी अस्तर पर कट कर ले। मुख्य कपड़े पर भी फ्रंट और बैक कट कर ले। फ्रंट और बैक पर बगल और ऊपर की तरफ हमने सिलाई मार्जिन आंख ली है। दिखाए अनुसार एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर ले। फ्रंट और बैक को पलट ले और अच्छे से इस्त्री कर ले। दिखाए अनुसार बैक पर जिप लगा ले। इस तरह हमने जिप जोड़ ली है। दिखाए अनुसार साइड्स जोड़े। इस तरह बॉडी का हिस्सा तैयार हो गया है। फ्रॉक के लिए हमने 1/2 इंच की शोल्डर पट्टियां तैयार कर ली है। शोल्डर बेल्ट की लंबाई हमने 3.5 इंच ली है। शोल्डर नापते समय
3.5 इंच का 2×7 अधिक 1 इंच ज्यादा मार्जिन के साथ कट करें। दोनों तरफ हम 3-3 पट्टियां लगाने वाले हैं। इस तरह हमने फ्रंट और बैक पर शोल्डर पट्टियां जोड़ ली है। इच्छा अनुसार शोल्डर बेल्ट की चौड़ाई आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, या आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। इस तरह बॉडी का हिस्सा तैयार हो गया। अब हम कागज पर घेरा कट करने वाले हैं। यहाँ पर पूरी लंबाई कम बॉडी लंबाई ले। यहाँ पर कमर का 1/4 हिस्सा अधिक 2 इंच ले। यहाँ पर सीट घेरे का 1/2 हिस्सा ले। साइड्स जोड़े। यहाँ पर 1 इंच नीचे लेकर कमर का आकार दे। उसी तरह बॉटम का भी आकार दे। कागज पर 1 जैसे 3 हिस्से बना ले। अस्तर पर घेरे का हिस्सा कट कर ले। अस्तर पर दिखाए अनुसार मार्किंग कर ले। कागज अनुसार अस्तर कट कर ले। अब हम मुख्य कपड़े पर फ्रिल कट करने वाले हैं। हर एक फ्रिल की चौड़ाई अस्तर से दुगना ले। इस तरह हर एक फ्रिल डबल कट करें। इस तरह 6 फ्रिल तैयार होंगे। हर एक फ्रिल की लंबाई अस्तर से 3 इंच ज्यादा ले। दिखाए अनुसार फ्रिल की दोनों साइड्स जोड़ें, जिससे पूरी गोल फ्रिल तैयार होगी। अस्तर के भी दोनों साइड्स जोड़े और गोल तैयार कर ले। दिखाए अनुसार अस्तर पर फ्रिल चून लेकर जोड़े। इस तरह हम फ्रिल जोड़ रहे हैं।
फ्रिल को बाहर की तरफ मोड़ ले। सीधी तरफ से फ्रिल को चुन लेकर जोड़े। इस तरह हमारी एक फ्रिल तैयार हो जाएगी। इस तरह बची हुई दो फ्रिल भी तैयार कर लें। इस प्रकार हमारी तीनों फ्रिल तैयार हो गई है। पहले कट किए हुए अस्तर के साइड्स जोड़े। इस तरह अंदर का घेरा तैयार हो गया है। दिखाए अनुसार पहला घेरा कमर पर जोड़े। इस तरह पहला घेरा हमने जोड़ लिया है। दिखाए अनुसार दूसरा घेरा भी दूसरे मार्किंग पर जोड़ लें। इस तरह दूसरा घेरा दिखेगा। तीसरे मार्किंग के नीचे अस्तर की जरूरत नहीं है, इसलिए मार्किंग के नीचे का कपड़ा कट कर ले। आखिर में तीसरा घेरा भी जोड़ ले। इस तरह हमारा बलून घेरा तैयार हो गया है। अगर आप चाहे तो इसी तरह बलून स्कर्ट भी बना सकते हो। बलून स्कर्ट पर आप अलग से बेल्ट जोड़ सकते हैं। तैयार किया हुआ घेरा बॉडी पर गोल जोड़े। इस तरह हमारा बलून फ्रॉक दिखेगा। फ्रॉक के कमर पर हम डेकोरेटिव बेल्ट जोड़ने वाले हैं। बेल्ट की चौड़ाई 2.5 से 3 इंच ले। बेल्ट की लंबाई कमर से 10 से 12 इंच ज्यादा रखें। इस तरह डबल कपड़ा कट करें। बेल्ट पर पूरी तरह सिलाई कर ले और दिखाए अनुसार बेल्ट को पलट ले। दिखाए अनुसार कमर पर बेल्ट जोड़े। यहाँ पर आप कोई और बेल्ट भी लगा सकते हो। इस तरह हमारा फ्रॉक तैयार हो गया है। अच्छी फिटिंग के लिए हमेशा लिबर्टी दिलीप करमपुरी सर की ब्लाउज कटिंग और ड्रेस कटिंग की किताब इस्तेमाल करें। लिबर्टी की गाउन, फ्रॉक, शॉर्ट टॉप, गलों के आकार, नववारी साड़ी, यह सारी पुस्तक बाजार में सभी जगहों पर उपलब्ध है। ऑनलाइन साइट पर भी लिबर्टी की किताब उपलब्ध है।